इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में पुलिस का सघन तलाशी अभियान चल रहा है। एसएसपी दीपक कुमार की अगुवाई में अभियान चल रहा है। कल जिला सत्र न्यायालय में विस्फोट हुआ था, जिसके बाद अब पूरी तरह से प्रशासन भी अलर्ट है। पुलिस की 5 टीमें चप्पे चप्पे को खंगाल रही है, तलाशी ली जा रही है। लखनऊ में पुलिस का ये सघन चेकिंग अभियान चल रहा है, चप्पे चप्पे को तलाशा जा रहा है, हर संदिग्ध पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। एसएसपी की अगुवाई में ये अभियान चल रहा है। कल जिला सत्र में जिस तरह से न्यायालय में विस्फोट हुआ था, उसके बाद पुलिस की 5 टीमें मौके पर मौजूद है, चप्पे चप्पे की तलाशी दी जा रही है। अनूप चौधरी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अनूप, कल जिस तरह से जिला और सत्र न्यायालय में ये विस्फोट हुआ था, उसके बाद अब पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और आज 5 टीमें गठित की गई है, चप्पे चप्पे को तलाशा जा रहा है, क्या कुछ निकल कर आया? देखिए, अभी कल जो विस्फोट हुआ था, करीब लगभग शाम को 4:30 बजे बाथरूम में विस्फोट हुआ था और काफी भीषण विस्फोट था, काफी तेज आवाज थी। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया था कि ये विस्फोट किस वजह से हुआ है। बीडीएस की टीम भी मौके पर पहुंची थी और एडीएस की भी टीम पहुंची थी और एसएसएल की पहुंची थी, लेकिन देर रात तक की जांच में ये साफ नहीं हो पाया था कि विस्फोट कैसे हुआ। ये जरूर जो है कल शुरुआती दौर में ये बताया गया था कि संभावता जो है गैस इकट्ठा होने की वजह से फ्लश में जो है विस्फोट हो गया, लेकिन वो विस्फोट इतनी तेज आवाज थी कि आस पास जो लोग थे, उसी इमारतों के लोग थे, जो सातवीं मंजिल पे भी बैठे थे, वहां तक की भी आवाज थी, काफी तेज आवाज थी। इसलिए ये कहा जा रहा है कि विस्फोट जो है किसी रासायनिक या किसी और वजह से भी हुआ है, लेकिन ये सब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि विस्फोट किस चीज का था। और सब आज ही एक पुलिस की टीम वहां मौके पर पहुंची है, चप्पे चप्पे पे सघन चेकिंग अभियान। जी शुक्रिया। जिला सत्र और न्यायालय के बाथरूम में कल हुए विस्फोट का ये मामला है। एसएसपी दीपक कुमार की अगुवाई में इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है और फिलहाल आपको बता दें कि 5 टीमों को लिया गया है, चप्पे चप्पे पर तलाशी ली जा रही है।